दोस्तों क्या आपने साहेब, मेरा यार मेरा दुश्मन, अंगारा और सतरंगी पैराशूट जैसी बॉलीवुड फिल्मों और सुकन्या संजीवनी, सारा भाई बनाम सारा भाई जैसे टीवी शोज देखे हैं? और अगर देखे हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें क्या समानता है? वेल, इससे पहले कि आप उत्तर के लिए अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, तो उसके पहले ही हम आपको बता दें कि इन सभी शोज के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों की भी लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हैं। जी हाँ, वही रूपाली गांगुली जो टेलीविजन की दुनिया में आज महारानी की तरह राज कर रही हैं। उनका बेहद सराहा और खूब देखा जाने वाला सीरियल अनुपमा टॉप पर है। बताते चले कि रूपाली गांगुली उर्फ अनुपमा आज 47 साल की हो गई हैं। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज अपना 47वां बर्थडे मनाने वाली हैं। बताते चले कि एक्ट्रेस के बर्थडे का जश्न उनके सेट पर दो दिन पहले ही शुरू हो गया था। जी हाँ, रूपाली गांगुली का एक वीडियो सामने आया था जिसमें सेट पर एक्ट्रेस को कई लोग बर्थडे विश कर रहे थे, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ था। तो इस मौके पर जानते हैं रूपाली से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूपाली गांगुली ने 7 साल की उम्र में शोबिज में डेब्यू कर लिया था। जिस फिल्म से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की वह साहेब थी, जो साल 1985 में रिलीज हुई थी। फिल्म के मेन लीड एक्टर में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी, दिवंगत देवेन वर्मा, दिवंगत उत्पल दत्त और अन्य कलाकार शामिल थे। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि रूपाली गांगुली के पिता फेमस फिल्म मेकर अनिल गांगुली हैं। इसके अलावा रूपाली की शोबिज में पहली फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने ही किया था। शाहिद के अलावा रूपाली गांगुली ने एक और फिल्म में भी काम किया था जिसे उनके पिता अनिल गांगुली ने निर्देशित किया था और इस फिल्म का नाम था बलिदान। साहेब और बलिदान दोनों में रूपाली गांगुली ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। बताते चलें कि रूपाली गांगुली ने अपना स्कूल पूरा करने के बाद होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। फिर साल 2000 के आसपास रूपाली ने मुंबई में एक विज्ञापन एजेंसी शुरू की। उन्होंने अपने पिता अनिल गांगुली के साथ विज्ञापन एजेंसी की सह स्थापना की थी। वे इस बैनर तले फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण करते थे। गौरतलब है कि एक इंटरव्यू में रूपाली गांगुली ने खुलासा किया था कि अपने बच्चे के जन्म के बाद वह न केवल बॉडी इमेज के मुद्दों से जूझ रही थी बल्कि उन्हें बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया था कि इस वजह से उन्होंने अपने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था क्योंकि वह उसे देखने के बाद लोगों के रिएक्शन से डरती थी। बताते चलें कि रूपाली गांगुली ने अपने इस असफलता और मुश्किल दौर में 7 साल तक शोबिज से ब्रेक ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने फिर खुद को समेटकर आत्मविश्वास हासिल करके नई शुरुआत की। जब वह दोबारा स्क्रीन पर आई तो उन्होंने अनुपमा से ही तहलका मचा दिया। लेकिन खबरों की माने तो रूपाली गांगुली अनुपमा के लिए पहली पसंद नहीं थी। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रूपाली गांगुली को अनुपमा ऑफर करने से पहले शो के मेकर्स ने कई और एक्ट्रेसेस को ऑफर किया था। इन नामों में साक्षी तंवर, जूही परमार, गौरी प्रधान और यहाँ तक कि मोना सिंह का नाम भी शामिल है। दोस्तों, यह बात उन सभी लोगों के लिए है जो अनुपमा में रूपाली के डांस को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। हम आपको बता दें कि रूपाली का डांस के लिए जुनून बचपन से ही था। अपनी डांसिंग स्किल्स को निखारने के लिए उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके अलावा आपको बता दें कि रूपाली के पिता अनिल गांगुली के अलावा रूपाली गांगुली के भाई भी शोबिज में हैं। विजय गांगुली न केवल एक कोरियोग्राफर हैं बल्कि एक निर्देशक और एक्टर भी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बेहद मिलनसार रूपाली गांगुली ने एनिमेटेड फिल्म दशावतार के लिए भी अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा सीरियल दिल है कि मानता नहीं में रूपाली गांगुली डबल रोल में नजर आई थी। इस शो में वह विशाल सिंह के साथ थी। इसके अलावा आपको बता दें कि रूपाली गांगुली ने अपने बुरे दौर के बारे में भी एक इंटरव्यू में बताया था। रूपाली ने कहा था कि पापा की दो फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी, तभी हमारा कठिन समय शुरू हो गया। मेरे सपने ने दम तोड़ दिया। मैंने उस समय परिवार को मुश्किल समय से निकालने के लिए सब कुछ किया। एक बुटीक में काम किया, कैटरिंग की, वेटर का भी काम किया। जिस पार्टी में पापा गेस्ट थे वहाँ मैं वेटर थी। इतना ही नहीं, घर चलाने के लिए मैंने विज्ञापनों में भी काम किया। रूपाली ने बताया था कि इसी दौरान उनकी मुलाकात पति अश्विन से हुई थी।
उन्होंने ही उनको टीवी करने का सुझाव दिया था। एक्ट्रेस ने टीवी में हाथ पैर मारे और उनको सुकन्या का किरदार मिला, क्योंकि उनका फीडबैक एक्ट्रेस के लिए बहुत मायने रखता था। जब अनिल गोंगले ने देखा तो वह बोले, खुद रोना नहीं है, दर्शकों को रुलाना है। बताते चलें कि रूपाली गोंगले को अनुपमा तब ऑफर हुआ था जब वह अपने पिता के निधन के शोक में डूबी हुई थी। हालांकि उन्हें उनके पति अश्विन ने मोटिवेट किया, लेकिन बावजूद उसके वह राजन शाही के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि वह उन्हें स्थिर होने के लिए थोड़ा समय दें। इसके बाद प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि उन्हें एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक माँ चाहिए जो ये रोल प्ले कर सके। जिसके बाद अब सीरियल में अनुपमा के साथ टीआरपी चार्ट पर धूम मचाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गोंगली देश की सबसे पसंदीदा बहू हैं। यही वजह है कि रूपाली के शो की अच्छी टीआरपी रेटिंग बरकरार है। हर दिन रूपाली से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाती हैं। और गलती से भी अगर सीरियल अनुपमा में रूपाली के किरदार के साथ नाइंसाफी हुई तो दर्शक सोशल मीडिया पर सीधे सीरियल को बायकॉट करने की धमकी दे डालते हैं।